क्या बोला? रमजान में खुंदाना बोला, ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। हाँ आना ड्यूटी है, ड्यूटी करने के चलेगा खत्म। रोज रोज के तमाशे हो गए, रोज नखरे नखरे विंटर भाई चुनते बुला के रहते को घर में बात करता बुला। नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानीसार खान। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में कई वीडियोज ऐसे देखे होंगे जहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे कर्नाटक का हिजाब मामला हो या मांस की दुकान बंद कराने का या और भी तमाम राज्यों में मुसलमानों पर होने वाली घटना हो, जहां पहले तो मुसलमानों को भरपूर परेशान करने की कोशिश होती है और अगर जब मुसलमान गुस्से में आकर कुछ रिएक्शन दे देता है या कुछ बोल देता है तो फिर उनके ऊपर कानून की तमाम धाराएं लगाई जाती हैं और कायदे कानून का पाठ पढ़ाकर जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला हैदराबाद में हुआ। अभी आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में कुछ दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं ताकि लोग अपने ज़रूरतों का सामान ले सकें। लेकिन इसी बीच हैदराबाद में मुशीरादाबाद थाने के 2 पुलिस वाले अपने इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ दुकानें खुली दिखाई दी जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई और दुकानें बंद करने को कहा। तभी वहां पर पार्षद मोहम्मद गौसुद्दीन पहुंच गए और वह पुलिस वाले से बातचीत करने लगे और कहने लगे कि हमने कहा था कि रमज़ान में इधर नहीं आना है, और वो कहने लगे कि आप अपने SI को बुलाओ, मैं उनसे बात करूँगा। आप ये वीडियो देखिए। क्या बोला? रमजान में खुंदाना बोला, ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। हाँ आना ड्यूटी है, ड्यूटी करने के चलेगा खत्म। रोज रोज के तमाशे हो गए, रोज नखरे नखरे विंटर नहीं सुनते बुला के रहते को घर में बात करता बुला। चलो 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 इंस्ट्रक्शन आया जी को मार खाली मुशीराबाद हमारा पूरा, हम पूरा तेलंगाना को लेकर चलते हैं, खाली मुशीराबाद अलग हैदराबाद अलग पूरा एक ही रहता है। वहीं जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पार्षद पर पुलिस को कथित तौर पर धमकाने और बदतमीजी करने का आरोप लगा और इन पर IPC की धारा 353 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस मामले पर विवादों में रहने वाले हैदराबाद के गौसा महल से BJP के विधायक टी राजा सिंह ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि हैदराबाद पुलिस को सीधे तौर पर 3 दिन तक उसके इलाके में ना घुसने की धमकी मिली है और ड्यूटी कर रहे अधिकारियों से बदतमीजी की गई है। हद से ज़्यादा आज़ादी मिलने की वजह से ये सब होता है। ये वीडियो हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके का है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? वहीं इस पर BJP IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर कहा, उन्होंने TRS सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि AIMIM के पार्षद ने TRS के चेहरे से लिबास छीन लिया है और उन्हें याद दिलाया है कि तेलंगाना में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, जहां भाजपा की सरकार ना हो और वहां मुसलमानों पर अगर किसी तरह के आरोप लगे या कोई मुसलमान पुलिस से थोड़ा कड़े लहजे में भी बात कर ले तो ये भाजपा वाले वहां की सरकार को तुरंत कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। लेकिन यही जहां पर इनकी खुद की सरकार चल रही होती है वहां अगर कोई मुस्लिम पुलिस से मारपीट या बदतमीजी कर ले तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और टी राजा और अमित मालवीय जैसे नफरती लोगों को इस तरह की हरकत नज़र नहीं आती, इन्हें सिर्फ मुसलमान ही दिखता है। अगर यही हैदराबाद में मोहम्मद गौसुद्दीन की जगह कोई गैर मुस्लिम होता तो क्या यह सरकार से कार्रवाई की मांग करते? वहीं इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।